ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और अब वक्त हो चुका है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। टॉप 10 इज स्पॉन्सर्ड बाय सेवलिव ड्रॉप्स एंड एसएस एंटरप्राइजेस। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई कम, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने की छूट। दिल्ली के अभिभावकों को कोरोना काल में सरकार ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने इस महामारी में बढ़ती आर्थिक तंगी को देखते हुए गुरुवार को सभी निजी स्कूलों को वर्ष 2020-21 में वसूली गई फीस में 15% की कटौती करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा द्वारा लगाया गया फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग और साथ ही चेयरमैन को किया धन्यवाद। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत दिल्ली में कोविशील्ड व कोवैक्सीन के अलावा आम लोगों के लिए रूसी वैक्सीन यानी स्पुतनिक वी का टीका उपलब्ध हो गया है। दिल्ली में बढ़ते तापमान के साथ लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, लोग हुए परेशान, कहा मोदी जी ने अच्छे दिन दिखा दिए, अब गरीब और मरेगा। दिल्ली के करावल नगर इलाके में युवक ने अपने सगे बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल छोटा भाई बड़े भाई की साली से फोन पर बातचीत करता था और बड़ा भाई इसका विरोध करता था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चोरों से हाई सिक्योरिटी इलाके भी सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने झाड़ू को ताले से लॉक करके रेलिंग से बांधा गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओपी चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से हुए रिहा। स्वागत में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का लगा ताता। डीएमआरसी का बड़ा फैसला, मेट्रो स्टेशनों के अंदर यात्रियों को अब भीड़भाड़ से मिलेगी निजात। पैसेंजर एरिया में लगने वाले रिटेल शॉप्स खाली करवाए जाएंगे ताकि आवागमन में किसी तरह की रुकावट ना हो। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत, शुक्रवार को दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, साथ ही लोगों में जागी उम्मीद कि जल्द आएगा मॉनसून। ऐसे ही तमाम भरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर